सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। मामला यह है कि इस पूरे मसले पर रिया और महेश भट्ट दोनों पर शंका सीबीआई ने जाहिर की है। 8 जून को रिया सुशांत के घर गई थी, उसी दौरान उसकी निर्देशक महेश भट्ट से बातचीत हुई थी और वो व्हाट्सएप चैट अब लीक हुआ है। रिया ने सुशांत के साथ अपने रिश्ते के बारे में महेश भट्ट के साथ काफ़ी बातचीत की थी और उसकी यह जो चैट है वो अब वायरल हो चुकी है। इन खबरों के सामने आने के साथ अटकलें लगाई जा रही हैं कि रिया ने खुद सुशांत से नाता तोड़ दिया था। अब तक यह कहा जा रहा था कि रिया ने सुशांत के कहने पर 8 जून को अपना घर छोड़ दिया था। रिया ने भी अपने बयानों में कहा है कि वह ऐसा करके खुश नहीं है। उस समय सुशांत की बहन मितु सिंह को उनके घर आने का कारण दिखाया गया था, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट लीक हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने सुशांत को अकेला छोड़ दिया। इतना ही नहीं, रिया सुशांत से नाखुश भी थी। यह पूरा जो व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है उसमें ऐसी बी मैटर सामने आ रही है कि उसमें लिखा था कि 8 जून की जो हम बात करें तो 8 जून को जब सुशांत का घर रिया ने छोड़ दिया, उसके बाद रिया ने महेश भट्ट को लिखा था कि भारी दिल और शांति के साथ आगे बढ़ी है वो, आपसे हुई अंतिम बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी। देखिए रिया ने क्या लिखा है। रिया ने भट्ट साहब ऐसा नाम लिखकर ये मैसेज सेव किया हुआ है, महेश भट्ट का नंबर सेव किया है, उसमें जो मैसेज किया है उसमें लिखा है कि वो शांति के साथ आगे बढ़ी है और आपसे जो बातचीत हुई, आपसे यानी वो महेश भट्ट को बोल रही है कि उनसे जो रिया की बातचीत हुई उसने उनकी आंखें खोल दी है। रिया ने ऐसा भी लिखा है कि आप मेरे फरिश्ते हो, आप तब भी थे और आज भी हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया में महेश भट्ट ने जो जवाब दिया था उस जवाब का सारांश यह होता है कि महेश भट्ट ने रिया को बोला था कि अब पीछे मुड़कर ना देखे। महेश भट्ट ने रिया का जो मैसेज था उस पर जो प्रतिक्रिया दी है वो आश्चर्यजनक है। उन्होंने रिया को जवाब देते हुए लिखा कि अब पीछे मत देखो, आपके पिता को मेरा प्यार दो, अब वे बहुत खुश होंगे। अब जो महेश भट्ट ने चैट के दौरान रिया के पिता को बीच में लाकर मैसेज किया है, उसने दिखा दिया है कि इस अभिनेत्री के पिता भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे, वे रिया और सुशांत को साथ देखना नहीं चाह रहे थे। वैसा महेश भट्ट का जो मैसेज है उससे साफ दिखाई दिया जा रहा है। यह जो पूरा वायरल चैट हुआ है उसमें रिया लगातार महेश भट्ट को धन्यवाद दे रही है और बता रही है कि उसने उसकी बहुत मदद की है। मैसेज में रिया ने महेश भट्ट को लिखा है कि आपने मुझे फिर से फ्री कर दिया है, आप मेरी जिंदगी में भगवान की तरह है। देखिए रिया ने जो लिखा है महेश भट्ट को वो अपना भगवान बोल रही है, उन्होंने लिखा है कि आप मेरे लिए भगवान की तरह हो। वहीं महेश भट्ट भी रिया को अपनी बेटी बोल रहे हैं, वे इतनी हिम्मत दिखाने के लिए रिया की तारीफ कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला अब इतना गर्म हो चुका है कि अब इसमें सीबीआई इस मामले की जांच कर सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि रिया ने इस संबंध के बारे में अपने कुछ दोस्तों से भी बात की थी। कौन कौन थे वो दोस्त, किससे उसने बात की थी, इस मामले पर अभी तपास चल रही है, जांच चल रही है। मगर ऐसी स्थिति में सीबीआई अब इस तथ्य की जांच करेगी कि 8 जून को आखिर हुआ क्या था। क्या वह रिया थी जिसने सुशांत का घर छोड़ा था? इस बार रिया की चैट में एक नई कहानी दिखाई जा रही है। ऐसा लग रहा है। उस समय यह बताया गया था कि रिया खुद सुशांत के डिप्रेशन से परेशान थी, अब उदास भी वो रहे थी, वैसा भी इसमें बताया गया था। सुशांत को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थी, पर महेश भट्ट के साथ रिया की जो बातचीत है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वह सुशांत से खुश नहीं थी। सिर्फ रिया की बात नहीं थी, उसके फादर भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे और महेश भट्ट के अनुरोध पर उसने सुशांत के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया, ऐसा इस वायरल चैट से हमें साफ जाहिर होता है। इस मामले में आगे क्या होगा उसको लेकर सबको इंतजार है, सबको यह चाहे कि क्या सच है आखिर सुशांत के मामले में, क्या उसके हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है।